हेलो फ्रेंड्स, आज हम HTML में हॉरिजॉन्टल लाइन HR टैग्स जो हमारे एक एम्पटी टैग है, इस टैग्स को किसे यूज करते हैं, इसके क्या एट्रीब्यूट्स हैं, वही आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले हम HTML हेड, ठीक है, टाइटल में हमने यही लिख दिया कि जो हम यूज कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल टैग्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल टैग्स, ठीक है, इसका हम यूज कर रहे हैं, राइट। कुछ भी आप टाइटल लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम हेड को क्लोज कर देंगे, राइट। अब हमें क्या बनाना है, जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, राइट, एक वेब पेज क्रिएट करना है इन कंडीशन के अकॉर्डिंग। सबसे पहले उसने कहा बैकग्राउंड का कलर, ठीक है, बैकग्राउंड का कलर हमें ये देना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, बॉडी में, ठीक है, बॉडी BG कलर, राइट, यहाँ पर हम उस कलर को लिख देंगे, राइट, ये हो गया हमारा बैकग्राउंड का कलर। सेकंड लाइन में कह रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन, जो हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं उसका कलर रेड, येलो और ग्रीन होना चाहिए, मतलब हमारी थ्री लाइन्स होनी चाहिए, राइट। तब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, HR, ठीक है, HR कलर, फर्स्ट कलर इन्होंने क्या बोला है हमारा रेड, राइट, हम यहाँ पर क्या लिख देंगे रेड, राइट। इसी तरीके से हमारी कितनी लाइन होनी चाहिए, थ्री लाइन्स होनी चाहिए, राइट, यहाँ पर मैंने थ्री लाइन्स कर दिए हैं, राइट, रेड। दूसरे में क्या कहा था इसने हमें, येलो और ग्रीन, राइट, येलो, और नेक्स्ट वाले में क्या कहा था इसने, ग्रीन कलर होना चाहिए। ये तो हो गया हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन के कलर, थ्री लाइन्स थ्री कलर्स, राइट। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसकी जो परसेंटेज है, मतलब जो विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए, 75%, राइट। तब हम क्या करेंगे, तीनों ही लाइन के लिए का पूरी हमारी कंप्लीट विंडो की ओरिजेंटल लाइन 75% पर होनी चाहिए, राइट। तब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, विथ, ठीक है, विथ लिख देंगे 75%, राइट, ये लिख दिया हमने 75% विथ होनी चाहिए। और इसका हम अलाइन भी दे देते हैं कि जो हमारी लाइन है वो कहाँ पर शो हो, अलाइन हमने दे दिया सेंटर, ठीक है, सेंटर में शो हो। इसको हम कॉपी कर लेते हैं इतने को, ठीक है, कॉपी, क्योंकि हमें सभी लाइन के लिए इक्वली चाहिए ये, राइट, ये देखिए। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, उसकी थिकनेस 20, 30 और 40 चाहिए उससे, ठीक है। थिकनेस के लिए हम यहाँ पर क्या देंगे, साइज एट्रीब्यूट्स का यूज करेंगे, ठीक है, साइज, ठीक है, फर्स्ट वाली का साइज कितना चाहिए उसे, थिकनेस 20, यहाँ हमने क्या लिख दिया 20, राइट। नेक्स्ट के लिए उसे कितना चाहिए, 30 और 40, राइट। तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, हमारा क्या था 30 और यहाँ पर क्या है हमारा 40, तीनों ही कंडीशन हमने हॉरिजॉन्टल लाइन की यहाँ पर मेंशन कर दिए, ठीक है, प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। अब फॉन्ट का साइज कितना कह रहा है, 5, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, फॉन्ट का साइज देंगे 5, राइट, फॉन्ट साइज इक्वल 5, राइट। फॉन्ट का कलर भी दे देते हैं हम, ठीक है, कि वो जो लिखा हुआ टेक्स्ट आए वो हमारा किस कलर से आए, वो भी हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर कर दिया है ग्रीन, ग्रीन तो यहाँ पर है ऑलरेडी, इसलिए मैं यहाँ पर ब्लू कलर में मेंशन कर रही हूँ, राइट। ब्रैकेट को क्लोज कर दें। अब टेक्स्ट हमारी ये थ्री लाइन्स होगी, फर्स्ट वाली लाइन को हम सेलेक्ट करके कॉपी कर देंगे और यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है, राइट। इसको भी हम थोड़ा बोल्ड टेक्स्ट में लिख देते हैं, बी टेक्स्ट में, ठीक है, बी टेक्स्ट का यहाँ पर यूज किया हमने, बोल्ड टेक्स्ट का, राइट। अब हम जो सेकंड वाली लाइन है, ठीक है, इसको कॉपी करके कि एक लाइन के बाद हमारा क्या आनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन आनी चाहिए, यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, बी टैग, ये देखिए। इसी तरीके से नेक्स्ट वाली लाइन, जैसे जैसे हमारे प्रोग्राम में लिखा है इसी के अकॉर्डिंग हमने ये लिखा है, राइट। अब जो हमारा लास्ट वाला है इसको भी हम क्लोज कर देते हैं, राइट। अब हमें कौन सा बॉडी टैग्स को क्लोज करना है,
और HTML टैग को क्लोज करना है। देखिए जैसे हमारा प्रोग्राम था उसी के अकॉर्डिंग हमने ये कंडीशंस लगाई है। ये देखिए बैकग्राउंड कलर दिया हुआ था हॉरिजॉन्टल लाइन कलर रेड येलो, जिसे इन्होंने दिया थी कंडीशन, जो हमारी 4 कंडीशन इन्होंने दी थी, 5 कंडीशन, उसी को हमने ध्यान में रख के इस प्रोग्राम को बनाया है। ठीक है, 5 कंडीशंस थी, इसी के हिसाब से अब हम इस प्रोग्राम का अपना रिजल्ट चेक कर लेते हैं। फाइल में जाकर इसको सेव करेंगे, किसी भी नाम से हम इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने HR के नाम से सेव कर दिया, पॉइंट लगा के HTML, राइट, ये देखिए HR, ये देखिए जो हमने साइज दिया था उसी के अकॉर्डिंग आ रही है यहाँ पर। ये देखिए बैकग्राउंड का कलर यही आ रहा है जो हमने दिया था। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, फर्स्ट रेड येलो और ग्रीन, फर्स्ट लाइन हमारी रेड है येलो है ग्रीन है। जो इसकी थिकनेस है फर्स्ट वाली की 20 है, सेकंड की 30, नेक्स्ट 40, मिस आप देख रहे होंगे जो थिकनेस है यहाँ पर फर्स्ट वाले की कम है, सेकंड हमारी ज़्यादा है और थर्ड वाले की और ज़्यादा है, राइट। इसके बाद हमने क्या दिया था, जो पेज है पेज के 75% में ये आनी चाहिए, विंडो के 75% में ये शो हो रही है और सेंटर में शो हो रही है, मतलब पेज के, राइट। अगर हम इसको चेंज करेंगे हम कोडिंग को तो उसके हिसाब से हमारा यहाँ भी चेंज हो जाएगा। जैसे 75% की जगह मैंने यहाँ पर 60% अगर लिख दिया है, फाइल में जाके सेव, यहाँ जाके अगर हम रिजल्ट देखते हैं, देखिए चेंज हो जाएगा। ये देखिए चेंज हो गया हमारा फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाले के लिए मैंने चेंज किया था। इस तरीके से जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके से आते हैं कि इन्होंने कंडीशन दी थी उसी के कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें प्रोग्राम क्रिएट करना होता है। सिर्फ इसको ध्यान से पढ़ते हैं, उसी के हिसाब से हम उसको लिखते चलते हैं और हमारा प्रोग्राम बन जाएगा। इस तरीके से हमने HR टैग्स को पढ़ा है, जिसमें हमने साइज एट्रीब्यूट्स का यूज किया है, कलर्स का यूज किया है, वेथ का और अलाइंस का यूज किया है। जैसे लाइन सेंटर से आ रही है, अगर हम यहाँ पर अलाइन को यूज नहीं करेंगे तो हमारी लाइन कहाँ पर आ जाएगी, ये देखिए जो हमारी लाइन होगी वो लेफ्ट से ही आएगी, फर्स्ट वाली के लिए मैंने करेक्शंस किए हैं। यहाँ पर आ जाते हैं नोट पैड में, इसको पहले सेव, इसको थोड़ा हटा देते हैं। ये देखिए हमने क्या दिया है, फ़ॉन्ट साइज कलर और विड्थ, 3 चीज़ दी है, राइट। अब फर्स्ट वाली लाइन के लिए दिया है, सेकंड के लिए यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। तो हम फाइल में जाके यहाँ क्या करेंगे, पहले सेव करेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, इसका आउटपुट देखेंगे। ये देखिए आउटपुट देख रहे हैं, माई लाइन जो है लेफ्ट में शो हो रही है, राइट, फुल में शो हो रही है क्योंकि मैंने यहाँ से इसको हटा दिया है, राइट। इस तरीके से हम HTML में HR टैग्स का यूज कर सकते हैं और इसके एट्रीब्यूट्स का, जैसे हमने यहाँ पर साइज कलर और विथ अलाइन टैग्स का एट्रीब्यूट्स का यूज किया HTML में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।